दिस कोर्स कैन ऑल्सो भी यूटिलाइज इन प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एंड दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस ट्राई टू कंपेयर द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न ऑफ आर बी आई असिस्टेंट विद अदर एग्जामिनेशन सो दैट यू कम टू नो दैट आप एक ही कोर्स से बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं सी द कोर्स इज स्पेसिफिकली फॉर आर बी असिस्टेंट बट एज आई विश शो यू हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर वेरियस एग्जाम्स थ्रू दिस कोर्स सो वेलकम बैक्स टू आर चैनल अनुजिंदल डॉट इन My name is Chetan. I have written various competitive examinations like SAC CGL, Banking, CAT, UGCNET, etc. And I have a work of -so 1.5 years with CAG as an assistant audit officer. A brief about our course, our RBA assistant course. It is a very, very comprehensive course covering the pre and the mains. And in this course, you will get the video lessons. Okay, you will be getting downloadable PDFs, doubt clearing sessions, discussion forum, live sessions. चल रही है uh, तो, reasoning की, तो आप उनका भी पार्ट बन पाएंगे सो ऑल दो बी गेटिंग इन दिस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई टोल्ड यू विदल कोर्स ऑफ आर बी आई असिस्टेंट यू कैन प्रिपेयर फॉर वेरियस अदर एग्जाम साइमल्टेनियसली बिकॉज आई विल शो यू दैट पैटर्न एंड सिलेबस आर प्रोड्यू मच द सेम so what are the other exams for which you can prepare through this courses first of all yes RB assistant is the foremost thing the foremost target but other exams are ibps clerk sbi clerk ibps po examination sbi po examination and one more that is rrb po ibps rrb po and rrb clerk both okay so again it is conducted by ibps only regional rural bank officer and regional rural bank clerk jobs. So, all for all these exams we can prepare through this one course only. And I will tell you one by one. I will first compare the exam pattern. So, all these exams have phase 1 and phase 2. Some of them have interviews, some of them don't have an interview. Like RBI assistant does not have an interview, it has only pre mains and a language proficiency test. So, first of all, we will compare the exam pattern of their preliminary examinations.

स्ट टू टेल यू अबाउट द कोर्स बट इसका एक और ऑब्जेक्टिव यह भी है कि आप इन एग्जाम के बारे में भी आपको बहुत इंसाइट मिलेंगे और काफी चीजें लोगों को नहीं पता है आप लोगों को भी मिसकनसेप्शन होंगे काफी मिथ्स आपके दिमाग में होंगे वो आज क्लियर हो जाने वाले हैं सो डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड ठीक है डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ क्लोजिंग दीडियो इन बिटवीन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग सभी एग्जाम्स में असिस्टेंट क्लर्क एस बी आई क्लर्क आईबीपीएसपीओ एस बी आई पी ओ सभी

एंड यू हैव सेक्शनल टाइमिंग नो सेक्शनल टाइमिंग इज लिटल बी डिफरेंट दैट रीजनिंग इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी हैव बिन गिवन थर्टी थर्टी मिनट इच लेकिन जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर में टाइम थोड़ा कम है एंड नेचुरली यहाँ पे इतना टाइम हमको चाहिए भी नहीं होता बिकॉज वी डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग इधर वी नो द आंसर और वी डोंट नो द आंसर सो दे डोंट रिक्वायर दट मच टाइम ऑल्सो टाइम आपको सफिशियंट मिलता है कौन रीजनिंग में यू माइट फील टाइम इज लेस बट यू कैन इंक्रीज यूर स्पीड यू कैन प्रैक्टिस मोर ओके okay, तो वो आप कर सकते हैं तो क्वांट रीजनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है टाइम मैनेजमेंट का कि टाइम कम है बट बाकी सेक्शन में यू वोंट फील दैट मच डिफिकल्टी सो द टोटल टाइम इज थर्टी फाइव द सेक्शनल टाइम टोटल करेंगे तो वन थर्टी फाइव वैसे तो टोटल टाइम का इट्स देर इज नो रेलिवेंस ऑफ टोटल टाइम बिकॉज यू ओनली गेट स्पेसिफिक टाइम फॉर स्पेसिफिक सेक्शन सो देर इज नो डिस्क्रिप्टिव पेपर इन आरबीआई असिस्टेंट मेन्स देर इज नो डिस्क्रिप्टिव पेपर

दिस इज द मिस नॉर्मर ये एक गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है एक्चुअली बिकॉज एक्चुअली देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर थ्योरी कंप्यूटर की थ्योरी से कोई क्वेश्चन नहीं आता दे राइट रीजनिंग एंड कंप्यूटर फॉर द रीजन क्वेश्चन सारे ही रीजनिंग के होते हैं बट यू नो सम्चन आर बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट नॉर्व कंप्यूटर्स में क्या होता है वी गिव इनपुट वी गेट सम आउटपुट ओके इन सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर तो इसीलिए वी गेट क्वेश्चन ऑफ मशीन इनपुट आउटपुट मशीन कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग सो दैट इज वाई वो कंप्यूटर लिख देते हैं बट एज सच कंप्यूटर की थियरी से कोई क्वेश्चन नहीं आता देर विल बी नो क्वेश्चन फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देर विल बी नो क्वेश्चन फ्रॉम यू नो आपका कंप्यूटर के फंडामेंटल से सॉफ्टवेयर डिवाइसेज हार्डवेयर डिवाइस देर विल बी नो क्वेश्चन फ्रॉम नेटवर्किंग वो क्वेश्चन नहीं आते हैं सो इट्स अस नॉर्मल एक्चुअली में कंप्यूटर नहीं है बट असिस्टेंट में कंप्यूटर इज अ सेपरेट सब्जेक्ट एंड यू विल गेट फोर्टी क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर थ्योरी ठीक है सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे सो so, आप ये देख सकते हैं कि कंप्यूटर इज वन वन सच सब्जेक्ट विच इज देयर इन आर असिस्टेंट बट नॉट इन अदर एग्जामिनेशन अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट आर आर बी आर आर बी क्लर्क एंड आर आर बी पी उन दोनों एग्जाम्स में कंप्यूटर अलग सेक्शन है अपार्ट फ्रॉम दैट

ऑलमोस्ट सिमिलर है बट थोड़ा बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेरिएशन मिलेगा आपको लाइक like इंग्लिश के क्वेश्चन कम, okay? e. कम है तो दैक्शनल टाइमिंग ऑल्सो तो कुछ सेक्शन को ज्यादा वेटेज है कुछ को कम वेटेज है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा बट मोर और लेस द सिलेबस एंड ऑल इज द सेम एंड अगेन यू विल सी दैट अब ये पीओ लेवल का पेपर है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव विच कंप्राइजिज ऑफ लेटर राइटिंग एंड एस ए राइटिंग दिस इज एक्सट्रा विच इज नॉट देर इन आरबीआई असिस्टेंट तो यहां पर आपका पच्चीस मार्क्स का पेपर है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का यू विल गेट टू क्वेश्चन एंड इट यू विल बी प्रोवाइडेड थर्टी मिनट फॉर दैट तो तीन घंटे आपको मिलेंगे फॉर दी स्थ से ऑब्जेक्टिव पेपर थर्टी मिनट फॉर डिस्क्रिप्टिव सो थ्री आर थर्टी मिनट इन टोटल

मार्क्स यू कैन परचेज सेपरेटली बिकॉज वी विल ओनली प्रोवाइड मार्क्स फॉर आरबीआई बट थ्रू आर बी आई असिस्टेंट कोर्स विच वी आर प्रोवाइडिंग यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑल एग्जामिनेशन बिकॉज कोर्स में जो भी पढ़ाया गया है वो बेसिक्स से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाया गया है तो so, आपके सभी एग्जाम्स का लेवल कवर हो जाएगा थ्रू दिस वन कोर्स दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू ना एस बी आई पी ओ से कंपेयर करें तो so एस बी आई पी ओ में भी थोड़ा बहुत पैटर्न का फर्क मिलेगा आपको रीजनिंग इंग्लिश क्वॉंट एंड

और इसी को अगर मैं आर आर बी क्लर्क या आर आर बी के मेन से कंपेयर करूं तो आर आर बी का जो एग्जाम है उसमें ये पांचों ही सेक्शंस हैं आर आर बी हैज ऑल दिस फाइव सेक्शन इन द मेन्स द वेटेज इज डिफरेंट तो आर आर बी में भी या आर आर बी क्लर्क में भी आपको ये पांचों ही सेक्शंस मिलेंगे फोर्टी फोर्टी क्वेश्चन ईच सेम बट द मार्क्स इज डिफरेंट सो इन आर आर बी रीजनिंग इज ऑफ फिफ्टी मार्क्स फोर्टी क्वेश्चन फिफ्टी मार्क्स इंग्लिश में फोर्टी क्वेश्चन फोर्टी मार्क्स क्वांट में फोर्टी क्वेश्चन यस ये फोर्टी है ये भी रहता है। और कंप्यूटर की वेटेज कम होती है इन आर आरबी ट्वेंटी मार्क्स टू हंड्रेड क्वेश्चन बट गिवन इज डिफरेंट टू डिफरेंट एरियाज एंड इन आर आरबी चाहे क्लर्क की बात करूं चाहे पीओ की बात करूं देर इज नो सेक्शनल टाइमिंग सो यू गेट अ अट टाइम ऑफ टू आवर्स दैट इज वन ट्वेंटी थोड़ा बहुत डिफरेंस है इन सभी एग्जामिनेशन में बट द गुड थिंग इज सिलेबस इज मोर और लेस द सेम तो अब मैं सिलेबस पे अगर मैं आता हूं इस पे तो सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आप देखोगे मोर और लेस इन सभी एग्जामिनेशन का सिलेबस काफी अब तक सेम है ठीक है और आप वेबसाइट पे जाके कोर्स डिटेल्स में आप देख भी सकते हैं कि कोर्स में हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सो विल फाइंड एवरीथिंग बात करूंगा रीजनिंग सेक्शन की सेम सो यू हैल्फा न्यूमेरिक सीरीज एल्फाबेट टेस्ट ब्लड रिलेशन एनालॉजी क्लासिफिकेशन कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन टेस्ट सीटिंग सीक्वेंस एंड सिंबल्स पजल्स इनइक्वालिटी से लॉजिक दम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर एंड रैंकिंग डेटा सफिशियंसी इनपुट आउटपुट एंड क्रिटिकल रीजनिंग क्रिटिकल रीजनिंग में देर आर फर्दर सो मैनी टॉपिक्स क्रिटिकल रीजनिंग इज द अम्ब्रेला टर्म इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं लाइक स्टेटमेंट एजम्पन स्टेटमेंट कंक्लूजन कॉज एंड इफेक्ट ठीक है स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कम अंडर योर रीजनिंग एबिलिटी नाउ

उसके लिए आईबीपीएस क्लर्क का मेंस लेवल और आईबीपीएस पीओ क्लर्क का मेंस लेवल और पीओ का मेंस लेवल ओके सो यू विल फाइंड अ मिक्सचर ऑफ इट कुछ आपको क्लर्क मेंस लेवल क्वेश्चन मिलेंगे कुछ पीओ मेंस लेवल क्वेश्चन मिलेंगे सो आरबी असिस्टेंट मेंस लेवल इज अ गुड लेवल ठीक है उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी होती है एंड कोर्स में सफिशियंटली हमने आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ पढ़ाया है सो यू विल फाइंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच

some questions sometimes of idioms and phrases also then you have sentence correction close test close test basically means fill in the blanks then your one word substitution para jumbles para jumbles is very important rearranging the sentences rearranging the phrases right then sentence completion phrase replacement you might be given a wrong phrase you have to replace it by a correct phrase okay then active passive voice some questions based on that then you have pillars

Then some questions on history, geography, political science, their basic concepts. Some questions sometimes from there also. Then important appointments, whatever recent appointments have been made. Okay. Then important days. Joby year important days. One two questions from there also. Awards, recent awards being given to any personality. Then sports, national sports, international sports, then authors and their recent books, right? Finance, current, and static.

basic hardware and software devices types of softwares okay input output devices storage devices different types then you have viruses different types of viruses hacking security tools available then networking very very important networking topologies networking devices like routers gateways modems etc etc then basic knowledge of internet when the internet was started email okay very very important email

तो वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है एंड देन डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस तो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन एंड टिल टुडे तो ये आपका मोटा मोटा सारा सिलेबस है एंड द गुड न्यूज इज इट इज वेरी वेरी कॉमन टू ऑल एग्जाम्स गाइस हमने आज बात कर ली एग्जाम पैटर्न की और हमने बात कर ली है आज सिलेबस की इन डिटेल तो आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव एडेड अ लॉट लॉट वैल्यू टू ऑल ऑफ यू इन योर नॉलेज आपकी नॉलेज में काफी एडिशन हुआ होगा एंड आई हैव गिवन यू गुड इन साइट्स ऑल्सो अबाउट हाउ प्रिपेयरिंग फॉर वन एग्जाम विल हेल्प यू इन प्रीपेरिंग फॉर सो मेनी एग्जाम्स इट फ्रॉम माई साइड इसके अलावा दिस इज एप्लीकेशन आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आपको फ्री में बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा इसके अलावा इफ यू हेव स्टिल एनी क्वेरी और डाउट रिगार्डिंग द आरबीए असिस्टेंट कोर्स और अबाउट द एग्जाम यू कैन ऑलवेज कॉल टू आर काउंसलर डबल नाइन डबल नाइन फोर डबल सिक्स डबल टू फाइव सो द्रॉम माई साइड फॉर टूडे सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना एंड इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव सो गुड बाय गाइस टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड जय हिंद